जानता यूट्यूबर्स में से सबसे बड़ा नाम जिसने सबसे पहले इंडिया में 10 मिलियन का आंकड़ा पूरा किया था, बीबी की वाइंस। हम लोग कभी नहीं भूल सकते क्योंकि बीबी की वाइंस में भुवन बाम ने बहुत ही धमाकेदार काम किया है और काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियोस होते हैं। अभी काफ़ी टाइम से भुवन के कोई भी वीडियोस नहीं आए थे क्योंकि भुवन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ हुई जहाँ पर उनके मदर और फादर की डेथ काफ़ी बुरा समय था उनके लिए, तभी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी अपने इस प्रोजेक्ट में और वो प्रोजेक्ट ढिंढोरा के नाम से हम लोगों के सामने आया है जिसका ट्रेलर अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च हुआ है और ट्रेलर ने भाई धमाल कर दिया है। तो बात करते हैं उसी ट्रेलर के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और लेके आ गए हैं आपकी ज़िंदगी में एक और बवाल। भुवन बाम एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। सब बंदे उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बीबी के वीडियोस हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, बहुत ही फ़नी होते हैं, जहाँ पर हर बंदा उनसे कनेक्ट हो पाता है, हर बंदा उन्हें पसंद करता है। सारे वीडियोस भुवन खुद अकेले बनाते हैं, खुद लिखते हैं, खुद रिकॉर्ड करते हैं, खुद प्ले करते हैं और खुद एडिटिंग, मतलब टोटल काम सिर्फ भुवन खुद से ही करते हैं, उनके पास कोई टीम नहीं है। और बात करें ढिंढोरा की, तो ढिंढोरा में भी उन्होंने ही डायलॉग्स लिखे हैं, उन्होंने ही पूरी स्टोरी लिखी है और उन्होंने 11 कैरेक्टर प्ले किए हैं। भाई 11 कैरेक्टर प्ले करना कोई आम बात नहीं है और उन्होंने ही 11 कैरेक्टर प्ले किए हैं। तो लगभग सारी चीज़ें भुवन ने ही करी हैं जिसके लिए उनको 7 से 8 महीने का समय लग गया उनको और उनकी टीम को। इसी बीच उनके मदर फादर की डेथ हुई, ये उनके लिए काफ़ी बड़ा समय था, काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुए थे इस चीज़ से। कोई भी होगा भाई, क्योंकि वो फैमिली है आपकी, मदर फादर है यार, काफ़ी बुरा समय था भुवन के लिए। ये ट्रेलर में आपको उनकी मेहनत बाकायदे दिख जाती है और ये वेब सीरीज़ दुनिया की पहली वेब सीरीज़ होने वाली है जिसमें एक सिंगल बंदे ने 11 कैरेक्टर प्ले किए हैं। ढिंढोरा भुवन बाम के मतलब बीबी की वाइंस यूट्यूब चैनल पर फ्री अवेलेबल होगा, जहां पर हम लोगों को फ्री देखने को मिलेगा, ये काफ़ी बड़ी बात है। भुवन ने इसमें 11 कैरेक्टर प्ले किए हैं जहां पर आपको बंछोड़ दास, समीर, उनके मम्मी पापा, टीटू मामा, भुवन और मिस्टर होला और भी बहुत सारे कैरेक्टर जो हम लोगों को देखने को मिले हैं उनके वीडियो में, तो वो सारे कैरेक्टर इसमें हम लोगों को देखने को मिलेंगे और भी कुछ नए कैरेक्टर आ सकते हैं इसमें, ये अभी कुछ इसमें फाइनल नहीं किया गया है। जहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसी है कि बबलू जी को लॉटरी लगी है 10 करोड़ रुपए की। 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, इस चीज़ पर इनकी पूरी वेब सीरीज़ है, जहाँ पर हम लोगों को मिडिल क्लास से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है मिडिल क्लास को, जो दिखाते हैं भुवन जहाँ से वो आए हैं उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस में रखा है और मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी सारे डायलॉग्स भी हैं जो आपको ट्रेलर में सुनने को मिल जाते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली इतने सारे रुपयों की एक लॉटरी लगने के बाद किस तरह रिएक्ट करती है, वो चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। और भुवन ने भाई अपनी वेब सीरीज़ में ग्रीन स्क्रीन का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, मतलब आप जहाँ पर देख रहे हैं कि लोग आपस में बात कर रहे हैं और तीनों कैरेक्टर भुवन के ही हैं, जहाँ पर बबलू जी, जानकी जी और भुवन आपस में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तीनों कैरेक्टर भुवन ही प्ले करते हैं, जो अगर आपने बीबी की वाइंस देखा होगा तो आपको पता होगा कि तीनों कैरेक्टर सिर्फ भुवन प्ले करते हैं और वहाँ पर तीनों कैरेक्टर आपको एक ही स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी बड़ी चीज़ है, जहाँ कहीं भी 1% कमी नहीं नज़र आती है उस चीज़ में, जहाँ बहुत ही प्रोफेशनली उस चीज़ को किया गया है। लेकिन ट्रेलर बहुत ही फाड़ है भाई, एक नंबर ट्रेलर है और ट्रेलर में इतना मज़ा आया है तो समझ लो वेब सीरीज़ में कितना मज़ा आने वाला है। तो ये तो थी कुछ वेब सीरीज़ की बात, लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जहाँ पर कुछ लोग अभी बोल रहे हैं, जहाँ पर भुवन के वीडियोज़ के नीचे भी कुछ कमेंट्स होते हैं और कुछ लोगों ने इस चीज़ पर वीडियो भी बनाई है और एक मैडम ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि भुवन का करियर ख़त्म है, कि भुवन का टाइम अब गया। तो बेटे उसका टाइम कभी नहीं जाएगा, क्योंकि भुवन एक ब्रांड है और उसने अपनी इस चीज़ को मेंटेन करके रखा है। हाँ ये चीज़ अलग है कि भुवन के वीडियोस पहले से अब कम आते हैं, काफ़ी टाइम में आते हैं, लेकिन जब भी आता है
बंदा ट्रेंडिंग पे जाता है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। जो इतने गैप के बाद जब भी कोई यूट्यूबर वीडियो डालता है तो उसका हर वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जाता, लेकिन बीबी का हर वीडियो ट्रेंडिंग पर होता है। तो तुम चूतिए हो जो तुमको लगता है कि भुवन का करियर ख़त्म, भुवन ख़त्म। भाई भुवन कभी नहीं ख़त्म होगा, भुवन का टाइम कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो हमेशा हम लोगों के लिए वीडियोस एक नंबर लाता है, लाता रहेगा। और वो कभी रिएक्ट नहीं करता है, सबसे बड़ी चीज़, कभी इन चूतियों के ऊपर रिएक्ट नहीं करता है वो, क्योंकि वो जानता है कि भाई ये चूतिए हैं। तो भाई कुछ सोच समझ के बोला करो। हाँ 8 महीने बाद वो आ रहा है तो भाई धमाका लेके आ रहा है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ढिंढोरा देखने के लिए। ट्रेलर देखकर अब एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और भुवन ने ये भी रिवील कर दिया कि ये चीज़ अक्टूबर में ही है होगी, तो भाई ढिंढोरा अक्टूबर में ही आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो पीट दो ढिंढोरा, भुवन आ रहा है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और किसी धमाकेदार मूवी के साथ। तो बस तब तक के लिए, जो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस लाल वाले बटन को क्लिक कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।